सत श्री अकाल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में है किचन टिप्स और छोटी छोटी सी रेसिपीज जो कि आप सभी को बहुत पसंद आएंगी, आपके काम को आसान करेंगी और खाने को और भी टेस्टी बनाएंगी। तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहली टिप मेरी है धागों से रिलेटेड। इस तरह के बॉक्स अक्सर सभी के घरों में होते हैं जिसमें कि हम बटन, सुई, हुक, धागे, रील वगैरह रखते हैं ना। तो इस बॉक्स में से जब हम धागे को निकालते हैं ज़रूरत होती है तो रील में से ना स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिलता है, काफ़ी देर लग जाती है स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने में। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक शार्प सा नाइफ लेकर रील के ऊपर से इस तरह से कट लगाना है। देखिए बड़ी आसानी से हो जाता है। अब आपने स्टार्टिंग पॉइंट को इसमें इस तरह से फंसा देना है। देखिए जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप यहीं से इसे पकड़कर धागे को निकाल सकते हो। फिर वापस जब आप इसे बंद करें ना, रील को लपेटें ना, तो इसी तरह से लपेट कर इसके ऊपर फिर से इसे फंसा के रख देना। अगली बार आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट टिप भी इसी से रिलेटेड है। जब भी हम सुई का, निडल का और धागे का यूज़ कर लेते हैं फिर हम इसको इसी में ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर निडल ऐसे ही जब रील के साथ नीचे को गिरी रहती है ना, तो फिर जब हम नेक्स्ट टाइम उसको निकालने लगते हैं तो आसानी से वो निकलती नहीं है, मिलती भी नहीं है, बीच में ही कहीं ऐसा लगता है यहाँ वहाँ हो गई है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक लेनी है इस तरह की मैग्नेट। मैग्नेट अक्सर घरों में होती है तो आपके पास कोई भी मैग्नेट हो ना, आप इसके अंदर डाल देना। फिर बॉक्स को बंद करके थोड़ा सा शेक करना, जिससे क्या होगा कि सारी जितनी भी निडल होंगी ना इसमें वो मैग्नेट में चिपक जाएंगी। फिर जब इसे हम निकालेंगे, देखें सारी निडल इसमें चिपक कर आ गई हैं। तो बहुत आसान रहता है इस तरह से निडल को निकालना। नेक्स्ट टिप भी इसी से रिलेटेड है। धागे का बॉक्स निकाला हुआ है तो साथ के साथ ही जो भी इसमें हमें दिक्कत आती है वो सारी आज क्लियर करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत आती है सुई में धागा डालने की। जब थोड़ी बहुत आई साइड वीक हो जाती है तब और भी ज़्यादा दिक्कत आती है। कई बार क्या होता है, बच्चे घर में हैं, बच्चे डाल देते हैं, कई बार नहीं कोई होता तब हमें बहुत दिक्कत लगती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, लेना है नेल पेंट। नेल पेंट अक्सर सभी के घर में होता है तो आप जो धागे का स्टार्टिंग पॉइंट हो ना उसके ऊपर लगा देना थोड़ा सा नेल पेंट। हल्का सा जब ये सूख जाएगा ना तो ये हार्ड हो जाएगा, धागा आगे से हार्ड हो जाएगा और फिर जब आप इसे निडल में डालोगे तो फटाफट से डल जाएगा। ये मेरी टिप है बैंगन को भूनने को लेकर। जब भी हमें बैंगन का भरता बनाना होता है तो बैंगन को हम भूनते ही हैं, और बैंगन भूनते हैं तो गैस जो है हमारी गंदी हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको टिप दे रही हूँ। तो ये मैंने बैंगन लिया है, इसको भूनने से पहले देखिए इस तरह से मैंने कट लगा लिया है। तो कट आप ज़रूर लगा लें, इस तरह से लगाने से आपको इसके अंदर दिख जाएगा कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है और बैंगन ख़राब तो नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि बैंगन को हम पूरा भून लेते हैं, उसके बाद जब इसे हम कट करते हैं, पीसेस करने लगते हैं ना, तब पता चलता है कि बैंगन तो ख़राब है। तब फिर उस समय पूरी मेहनत जो है वेस्ट हो जाती है। तो बैंगन के ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल भी लगा लिया है, इसके अंदर मैंने दो चार लहसुन की कलियाँ भी फंसा दी हैं, ये भी साथ के साथ रोस्ट हो जाएंगी, और एक टमाटर भी ले लिया है। अब ये मैंने लिया एक जाली, इसके ऊपर रख कर हम बैंगन को भूनेंगे। तो सबसे पहले तो गैस के बर्नर पर ये जो लगे हुए हैं साइड वाले इनको हटा देंगे। अब ये मैंने एक फॉइल पेपर ले लिया है इतने बड़े साइज का, इसको सेंटर से मैं कट कर रही हूँ। इसको कट करने से सेंटर से गोल शेप आ जाएगी, जैसा कि हमारी गैस के चूल्हे की होती है ना वैसे ही हो जाएगा। इसको बिछा देंगे इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम बैंगन और टमाटर को रोस्ट कर लेंगे। तो बैंगन है, प्याज है, टमाटर, लहसुन जो भी आप रोस्ट करें ना इस तरह से बिछा सकते हो। अब ये देखिए बैंगन जो है रोस्ट हो गया है, इसमें से जो भी लिक्विड गिरा है ना वो फॉइल पेपर के ऊपर आ गया है। अब हमें क्या करना है, इस फॉइल पेपर को बस हटाना है। गैस हमारी साफ की साफ है तो इससे हमारा गैस जो है गंदा नहीं होता है। अब हम बनाएंगे मेथी की पूड़ियाँ। तो ये देखिए दो कलर की मैं बना रही हूँ मेथी। आजकल मार्केट में बहुत अच्छी आ रही है, ग्रीन वेजिटेबल है और इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत हैं। तो ये देखिए मैंने मेथी लिया है एक बाउल, इसकी मैंने डंडियाँ हटा दी हैं, पत्ते पत्ते ही ज़्यादा लिए हैं, वॉश करके ले लिया है। इसको पीसना है तो इसके साथ ही हम
थोड़ा सा अदरक भी डाल देंगे और स्वाद के अनुसार हरी मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा ही पानी डालना है, पानी ज़्यादा नहीं डालना है, इसको बिल्कुल फाइन पीस लेंगे। अब आटा गूंध लेते हैं। तो ये मैंने एक बाउल में लिया है 1 कप गेहूं का आटा और इसमें 1/4 कप बारीक वाली सूजी मिलानी है। इसको मिलाने से पूड़ियाँ बहुत खस्ता बनेंगी। 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे और इसमें 1 चम्मच के करीब ऑयल मिला देंगे। अब इसमें जो हमने मेथी पीसी है ना, उसको डालना है, तो एक साथ नहीं डालना, थोड़ी थोड़ी करके मिलाते जाना और इसका आटा तैयार करना। तो ये देखिए, इसका आटा मैंने तैयार कर लिया है। इसको अभी 10-15 मिनट के लिए अलग रखना है। तो अब जब तक हम दूसरा आटा गूंद लेते हैं, तो फिर से मैंने उसी बाउल में ले लिया है 1 कप गेहूँ का आटा, 1/4 कप सूजी ली है, बारीक वाली सूजी ही लेनी है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी इसमें अजवाइन डालेंगे, हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, और 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर। अब इसमें मैं एक खास मसाला मिला रही हूँ जिससे पूड़ियों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये है मैगी का मसाला है मैजिक। इसको एक पूरा पाउच डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल लेंगे 1 चम्मच के करीब और इसका आटा तैयार करेंगे। तो आटा हमने जैसा हम पूड़ी के लिए आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही गूंदना है। ये तैयार हो गए हैं दोनों आटे। अब दोनों आटों से हाफ हाफ पार्ट लेकर पेड़ा बना लेंगे। हरे आटे का भी आधा पार्ट लेकर मैंने एक पेड़ा बना लिया है, येलो वाले का भी लेकर पेड़ा बना लिया है। अब इसको बेल लेंगे जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसको बेलना है। तो ये थोड़ा मोटा रखना है, मोटी मोटी सी रोटियाँ बनेंगी ये। तो येलो वाली बेल ली है, इसको रख देंगे एक साइड। अब ग्रीन वाली भी बेल लेंगे। अब ये दोनों रोटियाँ बेल गई हैं, तो एक साइज की दोनों रोटियाँ बेलनी हैं आपने। तो ग्रीन के ऊपर मैं येलो वाली रख रही हूँ रोटी, और इसको अभी थोड़ा और बेलेंगे। तो देखिए, इतनी बड़ी करनी है, जैसे चकले के बराबर ही रोटी हो गई हैं। तो इसको बेलने से आपस में चिपक जाएंगी। कॉर्नर से भी हल्का हल्का इनको दबा देंगे। तो अब इनको रोल करना है। तो मैंने येलो वाली रोटी जो है वो बाहर की तरफ रखी है। तो इस तरह से देखिए, इसको रोल करना है, टाइटली रोल करना है, टाइट टाइट से पकड़कर इसको रोल कर देंगे। देखिए, इस तरह से रोल हो गए हैं। नाइफ से इस तरह से हम इसको काटेंगे। तो ये देखिए, बहुत बड़े बड़े भी नहीं काट रही हूँ मैं, इस तरह के ये पेड़े की तरह बन गए हैं। 2 कलर देखिए इसमें दिख रहे हैं अलग अलग। अब चकले के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाकर इनको बेलना है। इस समय ऑयल लगाना है, सूखा आटा नहीं लगाना है। तो इसको जैसे हम पूड़ी बेलते हैं उसी तरह से बेल लेंगे। तो ये देखिए, आप मैंने काफ़ी सारी बेल ली हैं। अब इनको फ्राई करना है, तो उसी तरह से ही करेंगे जैसे हम पूड़ियाँ फ्राई करते हैं। ऑयल फुल गर्म करके लेना है। तो देखिए, एक एक पूड़ी को डालते जाएंगे और ये कितनी अच्छी तरह से फूल रही हैं। ये देखिए आप, कितनी अच्छी लग रही है। 2 कलर इसमें दिख रहे हैं। तो देखने में तो अच्छी है ही है, खाने में ये बहुत क्रिस्पी करारी बनती है, बहुत टेस्टी होती हैं। ये फूली फूली रहती हैं काफ़ी देर तक, एकदम से इसमें से हवा नहीं निकलती है। तो आप इसे बच्चों को दें, बड़ों को दें, सभी बहुत खुश होकर खाते हैं। चाय के साथ, अचार, चटनी के साथ, किसी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हो। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? कौन सी वाली टिप आपको ज़्यादा अच्छी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर देना, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।